चाहे वो गॉथ हों, चाहे वो हिप हॉप इंडस्ट्री वाले हों, चाहे वो पॉप स्टार्स हों, जो कि खुद कई दफा क्लेम भी कर चुके हैं कि वी हैव सोल्ड आवर सोल टू द डेविल। कई साल पहले एक अंकल से मेरी बातचीत हो रही, तो उन्होंने मुझे सवाल पूछा। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप ये बताएं कि ये सारे जिन जो हैं ये पाकिस्तान में क्यों होते हैं, और ये जिन्नात कभी मैंने सुना नहीं कि अमेरिका में जिन आया हो या कोई लंदन में जिन फिर रहा हो, ये सारे जिन्नात जो हैं ये पाकिस्तान में क्यों पाए जाते हैं। जिन्नात अल्लाह की एक मखलूक है और अल्लाह ताला ने उनको भी उसी तरह से जज्बात और एहसासात और रिलीजन दिया हुआ है जिस तरह से हमें दिया हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ने जिन्नों को और इंसानों को किसी मकसद के लिए पैदा नहीं किया सिवाय इसके कि वो अल्लाह की बंदगी करें। तो जिन्नात के पास भी फ्री विल है, जिस तरह हमारे पास भी फ्री विल है, हमारे पास इख्तियार है, उनके पास भी इख्तियार है। तो अल्लाह ताला ने जिन्नात को पहले पैदा किया। बाज मुफस्सरीन खास तौर पे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा मेंशन करते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन्नात से पहले भी कुछ मखलूक बनाई हुई थी जिनके नाम बिन और इसी तरह के और कुछ नाम हैं जो उस टाइम पे मखलूकात थी। और जिन्नात ने क्या किया कि उस टाइम पे इंसान अभी पैदा नहीं हुआ था, तो जिन्नात ने क्या किया, जिन्नात ने फसाद फिल अर्ध कर दिया, जमीन में बहुत फसाद किया, बहुत जाने जाया की, कत्ल व गारत की, क्योंकि फ्री विल था, इख्तियार था, तो वो अपने आपे से बाहर हो गए और फसाद शुरू कर दिया। ये जिन्नात जो हैं इनका ताल्लुक किसी खास मुल्क से नहीं है, ये पूरी दुनिया में होते हैं, दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ द अनसीन। लेकिन होता ये है कि जिन जिन ममालक में इनके साथ किसी का कोई इनकाउंटर या एक्सपीरियंस होता है तो वो इनको डिफरेंट नामों से पुकारते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो उनको पोल्टरगाइस्ट कह रहे होंगे या गोस्ट कह रहे होंगे या स्पिरिट कह रहे होंगे कि देयर वर स्पिरिट्स इन दैट एरिया, इस तरह की बातें यूज करेंगे और उनको समझ नहीं आ रही होगी कि इसको बकायदा तौर पर डिफाइन कैसे करना है। लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहान तआला ने कुरान मजीद में और इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में बहुत वाज़ह तौर पर बता दिया गया कि यह आखिर कौन सी मखलूक है। अच्छा, इसी तरह से आप देखें कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जो है अमेरिका में, वहाँ पे बाकायदा तौर पर एक डिपार्टमेंट है ऑफ पैरानॉर्मल साइंसेस, और ये जितनी भी चीज़ें हैं जो गैब से जिनका ताल्लुक है उनको ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी में डालते हैं या मेटाफिजिकल में डाल देते हैं या सुपर नेचुरल में डाल देते हैं, पैरासाइकोलॉजी में डाल देते हैं। ये सारी वो चीज़ें जो कि इंसान कहता है, एक तो चीज़ें वो जो नॉर्मल हो रही हैं और फिर कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें, कुछ चीज़ें जो नेचुरल हैं और कुछ सुपर नेचुरल हैं, यानी सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल, सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल चीज़ें जो हैं उनकी वजह नहीं पता चल रही होती कि आखिर ऐसी क्यों है। यानी एक तो होता ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जरिए आपने कोई ना कोई नॉन कॉज निकाल लिया, लेकिन कुछ चीज़ें बहरहाल ऐसी होती हैं जिनको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ चीज़ें रखता हूँ आपके सामने कि एक ऐसा शख्स जो जब उसके ऊपर असर हुआ है या उसके ऊपर जिन पोजेशन का केस है तो उस टाइम पे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये साइकोलॉजी से ऊपर की बात है, और ऐसे कुछ केसेस मैं खुद पर्सनली भी डील कर चुका हूँ जहाँ पे एक बहुत ही दुबली पतली सी खातून होगी और उसको आम तौर पे तो एक बंदा उसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी है, लेकिन 4 हट्टे कट्टे जवान भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इतनी ताकत आ चुकी है ड्यूरिंग दैट स्टेट। या फिर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो एक ऐसी लैंग्वेज बोल रहा है जो उसको आती नहीं है, यानी एक बंदा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पिंडी में केस आया और उस लड़के ने कहा कि जिया भाई जब मेरी अम्मी पे ऐसा कोई केस होता है, ऐसी कैफियत आ रही होती है, तो वो फारसी में बोलना शुरू कर देती हैं, एंड पहले हमें समझ नहीं आ रही थी ये क्या बोल रही है, तो फिर हमारे एक फैमिली मेम्बर थे जो फारसी जानते थे और उन्होंने फिर बताया कि ये तो पूरी फारसी बोल रही है, हालांकि वो कहते हैं मेरी अम्मी 8 जमातें भी नहीं पढ़ी हुई मुश्किल से, तो जब वो इस हालत में आती है तो एक और लैंग्वेज बोल रही है। तो अब साइकोलॉजी से बियॉन्ड की चीज़ है ये कि चले आपका जो एक दिमाग है आपको तो वही पता है जो आपको पता है, एक्स्ट्रा ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है। इसी तरह से उन चीज़ों के बारे में इल्म होना जो आपको मतलब पता होने की कोई सूरत हाल हो ही नहीं सकती थी। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जो किसी बंदे के साथ पर्सनल एक मामला हुआ, एक पर्सनल मामला जो उसके और उसके रब के बीच में था, तो इस किस्म की सिचुएशन जो है ये भी बड़ी परेशान कौन सी बात होती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो अब अमेरिका वगैरह में या यूरोप में जब भी इस तरह का कोई केस आता है तो वो लोग इसको
क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में डाल देते हैं कि दिस इज पैरानॉर्मल सुपरनैचुरल। इसीलिए यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ने तो बकायदा तौर पर एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है कि ऐसे जितने भी केसेस आते हैं उनको समझने के लिए, पढ़ने के लिए। इसी तरह से आईवी लीग यूनिवर्सिटी जो है उनके बकायदा तौर पर आपको रिसर्च पेपर्स मिलेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, रिसर्च पेपर्स ये टॉपिक डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक पर्टिकुलर केस था, वो ये बिहेवियर शो कर रहा था, और एंड में जवाब ये होता है कि वल्लाह आलम, यानी हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा था। कोई साइंटिफिक या लॉजिकल या रैशनल एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रही कि आखिर ऐसा क्यों था। बहुत सारे लोग जो जादू के असर में होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि जी खून के छींटे पड़ जाते हैं हमारे घर में या हमारे चेहरे पे या इस तरह से। मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने बकायदा तौर पर मुझे एक दफा कॉल किया कि जब उन्होंने कहा कि हम लोग बैठे हुए कमरे में टीवी देख रहे थे और मेरी अम्मी के मुंह पे छींटे पड़े खून के, तो उन्होंने उस टाइम पे मुझे पिक्चर खींच के अम्मी की भेजी कि ये इसी वक्त हुआ है, हालांकि कोई नॉन सोर्स ही नहीं है कि खून कहां से आया होगा, कोई सोर्स नहीं है। तो इस किस्म की जब चीजें होती हैं तो फिर आपको उनको उस पैरानॉर्मल डब्बे में डालना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस्लाम के अंदर इसका जवाब मौजूद है, लेकिन जिसके पास ये इल्म नहीं है फिर वो अपनी अकल से अपनी शऊर से कोशिश करता है कि किसी हल तक पहुंचे, लेकिन बहरहाल उस हल तक पहुंचना भी उनके लिए मुश्किल होता है। ये आयरलैंड में खातून है जिन्होंने एक्चुअली, अब तो मोबाइल फोन का जमाना आ चुका है, तो उन्होंने अपने घर में एक ऐसे ही इनकाउंटर को वीडियो टेप किया जहां पे उनके घर के अंदर कई दिनों से शैंडलियर खुद ब खुद हिलना शुरू कर देता था, बगैर कोई हवा कोई कुछ भी नहीं है। फिर घर के अंदर किचन की अलमारियां खुद ब खुद खुल रही हैं, दराज खुद ब खुद खुल रहे हैं, एक कोने में पड़ी हुई एक बाल्टी है वो खुद ब खुद उनकी तरफ चलती भी आ रही है, मतलब वो एकदम से उसको धक्का सा लगता है और वो आ जाती है। तो ये सारा उन्होंने रिकॉर्ड किया और ये इन्हीं की वेबसाइट पे मौजूद है, और उन्होंने वहां पे मेंशन किया कि दिस इज, यानी हम इतना तो वेरीफाई कर रहे हैं कि ये फुटेज जो है ये डॉक्टर्ड फुटेज नहीं है, ये कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअल फुटेज है जो कि उस टाइम पे उस खातून ने रिकॉर्ड कर ली। और उस खातून का दावा ये था, इस आयरिश लेडी का दावा ये था कि ये कई दिन से मेरे घर में हो रहा था, उस दिन इत्तफाकन मैंने फिर मोबाइल फोन निकाल ही लिया और उसने ये कहा कि जी हमारे घर में कोई गोस्ट्स हैं, गोस्ट्स हमें टेररिज कर रहे हैं। तो इस्लामिकली स्पीकिंग हम ये बात जानते हैं कि गोस्ट कुछ भी नहीं होता, यानी जो बंदा मर गया वो वापस नहीं आता, जिसका इंतकाल हो गया अब वो आलम बरज़ख में है, वो वहां से वापस लौट कर नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जिन्नात जो है वो जरूर इस किस्म की हरकतें कर सकते हैं और करते भी हैं। दिस इज वन ऑफ द लास्ट एक्सरसिज्म्स टू बी कंडक्टेड इन जर्मनी। 1970s में एक लड़की जिसका नाम एनालीज माइकल था, जिसके ऊपर वो फिल्म भी बनी हुई है द एक्सरसिज्म ऑफ एमिली रोज, नाम उन्होंने उसका चेंज करके एमिली रोज रख दिया, हालांकि उसका असल नाम जो है वो एनालीज माइकल है। तो इसका जो केस है वो ये था कि ये एक यंग लड़की थी, तकरीबन 16 साल की उम्र में इसको फिट्स पढ़ना शुरू हुए और ये फ्लुएंट लैटिन बोलती थी, हालांकि जर्मनी में लैटिन दूर दूर तक जिस गांव से इसका ताल्लुक था किसी को नहीं आती थी, और जो प्रीस्ट वहां पे इसको मिलने के लिए आए वो भी कन्विंस थे, उसके पेरेंट्स भी कन्विंस थे कि शी वॉज पोजेस्ड बाय नॉट वन बट 6 डीमंस, यानी 6 जिन जो है इसके ऊपर हावी हो चुके हैं, और वो मुख्तलिफ जुबानों में बोलती, मुख्तलिफ तरीकों से बोलती, मुख्तलिफ बातों का इन्फॉर्म करती जो कि पता ना होता उसको, यानी किसी तरह से पॉसिबल नहीं था कि इसको ये पता होगा, यानी इवन उन प्रीस्ट के पर्सनल वाकयात और उनके साथ लाइफ में क्या हो रहा है ये इन्फॉर्मेशन भी पता है, जो कि उस प्रीस्ट के अलावा शायद किसी को भी मालूम नहीं था। तो हुआ ये कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके ऊपर एक्सरसिज्म होता रहा, लेकिन जाहिर सी बात है वो जब एक्सरसिज्म वो करते हैं तो वो गैरुल्लाह के नाम पर करते हैं और सारा कुछ, तो eventually she died due to malnutrition and several other reasons. तो ये जो केस था ये बड़ा एक horrifying केस बना, और मैंने इसलिए यहाँ पे उसके videos और वो चीज़ें शेयर नहीं की, लेकिन अगर किसी को शौक हो तो वो ये सबसे ज़्यादा well documented केस है, ये वो केस है जिसकी videos भी मिल जाएंगी आपको, proper exorcism 8-8 घंटे की videos मिल जाएंगी, audio recordings मिल जाएगी, क्योंकि ये late 70s में हुआ है तो they were recording everything at that time. मैं आपके सामने कुछ ऑडियो प्ले करना चाहता हूं इंशाल्लाह, ताकि आप हल्का सा प्ले करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू एट दैट टाइम। नाइन, 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 नाइ
ओके सो ये मैंने थोड़ा सा क्लिप आपके सामने प्ले किया है, इसमें आपको फील होगा कि दो तीन पिच के ऊपर उसकी आवाज निकल रही है, बहुत बेस के साथ बहुत डीप आवाज भी निकल रही है, श्रिल वाली आवाज भी निकल रही है, और एक और भी, और तीन चार वेरिएशंस हैं। ये अगर किसी को शौक हो और घर में सुनना चाहे एयरफोन्स लगा के रात को, इंशाल्लाह कोशिश कर सकते हैं आप, तो फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी कन्फर्म। तो ये बहुत लंबी लंबी रिकॉर्डिंग है, मैंने तो छोटा सा तकरीबन 30 सेकंड्स का क्लिप पे किया है, ये घंटों की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, जिसमें वो जर्मन जुबान में और लैटिन में और इस तरह से कुछ गालियां भी निकाल रही है प्रीस को और बहुत सारी बातें। हालांकि आम हालात में वो एक बहुत ही माइल्ड टेम्पर्ड किस्म की लड़की थी, बहुत माइल्ड टेम्पर्ड। जिन्नात की तीन किस्म की किस्में हैं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जिन्नात काफिर भी होते हैं मोमिन भी होते हैं, तीन किस्म की जो किस्में हैं जिन्नात की, उसमें से पहली किस्म के जिन वो हैं, हदीस में आते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, जो फ्लाइंग जिन्स होते हैं, और बाज़ उलमा कहते हैं कि इनकी तादाद सबसे ज्यादा होती है। दूसरे किस्म के जिन्नात वो होते हैं जो शेप शिफ्टिंग करते हैं, किसी और चीज का रूप धार लेते हैं, और तीसरे किस्म के वो होते हैं जो खाना बदोश टाइप होते हैं, वो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल होते रहते हैं, तो कभी एक जगह पड़ाव डालते हैं, फिर कुछ अर्से के बाद कहीं और चले जाते हैं, कुछ अर्से के बाद कहीं और जाते हैं, तो ये बस मूव अराउंड करते हैं। जो हवा में उड़ने वाले हैं उनका आपसे कोई खास इंटरेक्शन नहीं होता, वो अपनी स्पेस में कहीं होते हैं, बस उड़ते रहते हैं। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि इनमें से कुछ जो है जब जादू के लिए इस्तेमाल होते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि जो अल्लाह ताला ने अहकामात फरिश्तों को दिए होते हैं वो सुन लें जब फरिश्ते आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तनज्जुलुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्निहि, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं उस दिन यानी लैलतुल कदर में क्या होता है, फरिश्ते नाजिल होते हैं अल्लाह के अमर लेकर, अल्लाह के फैसले लेकर। तो ये फैसले ना फरिश्तों ने जब एग्जीक्यूट करने होते हैं, किसी घर में बच्चा होगा, किसी घर में बरकत आएगी, उसके रिस्क में इजाफा होगा, तो फरिश्ते आपस में डिस्कस करते हैं, अच्छा जी उसके वहां पे औलाद के लिए आप रूह फूंकने जा रहे हैं, हाँ जी ठीक है आप क्या कर रहे हैं हमें ये कर, तो फरिश्ते आपस में प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो ये जो जिन्नात हैं ये हवा में जाके उड़ते हैं और जिन्नात की बात को ईव्स ड्रॉप करते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है जब ये हरकत करते हैं तो इनको पत्थरों से मारा जाता है। रुजूम लिश्यातीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो स्टार्स हैं शूटिंग स्टार से इनको हिट किया जाता है। तो अक्सर औकात जब वो कोई रोमांटिक सी मूवी चल रही होती है तो उसमें दिखाते हैं कि वो लड़का लड़की बैठे और ऊपर से शूटिंग स्टार जाता है, कहते हैं दैट्स सो रोमांटिक, दिस मस्ट बी ट्रू लव। जालिमों आपको क्या पता उसके आगे एक शैतान है और पीछे उसके ये शूटिंग स्टार लगा हुआ है, आप यहां आपको यहां मोहब्बत सूझ रही है उसको जान पर पड़ी हुई है, वो अपनी जान बचाने के लिए फरार हो रहा है और आप कह रहे हैं कितना रोमांटिक लग रही है। तो ये तब होता है जब इंसान को पता नहीं होता कि वॉट इज द वर्ल्ड ऑफ द अनसीन। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इनको ना इनसे मार के भगाया जाता है जब ये ईवसड्रॉप करने आते हैं, फिर ये क्या करते हैं कुछ थोड़ी बहुत बात सुनते हैं और उसमें 99 झूठ मिला देते हैं और फिर वो उस जादूगर को जाके सुनाते हैं जिसने इनको भेजा होता है ये बात सुनने के लिए। तो ये तो फ्लाइंग जिन्स हैं। दूसरे वाले जो हैं वो हैं जी शेप शिफ्टर्स। शेप शिफ्टर्स क्या करते हैं, वो जिन फॉर्म से किसी और 3D फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन अगेन उनके लिए 3D फॉर्म में आना इतना आसान नहीं है, उनको भी बहुत मुश्किल और मेहनत से ये काम करना पड़ता है। तो 3D फॉर्म क्या लेंगे, इंसान के रूप में आ सकते हैं, काले कुत्ते के रूप में आ सकते हैं, सांप के रूप में आ सकते हैं, ये सारी चीजें हदीसे मुबारका से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकायदा तौर पर हदीस में ये बात इरशाद फरमाई कि कुछ ऐसे जिन्नात हैं जो काले कुत्ते की फॉर्म में आते हैं। अब ये नहीं कि अगर कोई भी काला कुत्ता है वो जिन ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर किसी जिन ने कुत्ते का रूप इख्तियार करना है तो वो वाइट रंग का पूडल नहीं बनेगा, वो ब्लैक कलर का कुत्ता बनेगा। बाज हदीस में आता है फुल ब्लैक, बाज में आता है फुल ब्लैक विद वन वाइट आई पैच। तो ये जिन्नात की। और फिर एक दफा मैं एक जगह पर इसी तरह टॉक दे रहा था तो किसी ने पूछा कि जा भाई ये बताएं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो हमारे मोहल्ले में एक काला कुत्ता फिर रहा है वो एक्चुअली जिन है या नहीं है। तो उसका जवाब ये कि अगर वो कुत्ता जो है वो गैर कुत्ता वाली हरकतें कर रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है जो कुत्ते को कम अज कम सूट नहीं करती, तो फिर शायद वो जिन हो। यानी अगर एक काला कुत्ता बड़ा मशकूक तरीके से मूव अराउंड कर रहा है तो यू कैन टेल कि ये कोई
कुत्ता नॉर्मल नहीं लग रहा मुझे, कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। खैर, ऑन दी अदर हैंड सांप के रूप में भी आ सकते हैं। हदीस में आता है मदीना में कुछ जिन्नात आए और सांप का रूप इख्तियार किया, बल्कि एक सहाबी थे उनके घर में दाखिल हो गए, और सहाबी जो थे उनकी नई नई शादी हुई भी थी, वो भी एक गजवा के लिए रवाना होने लगे थे, तो वो भी घर आए कुछ चेक करने के लिए, तो उनकी जो वाइफ थी वो घर से बाहर खड़ी हुई थी, तो वो उनके साथ नाराज हुए कि भाई आप बगैर पर्दे के बाहर कैसे निकल आई हैं। तो उन्होंने कहा मैं जल्दी में निकली हूँ बाहर, अंदर देखे तो सही सांप आया हुआ है। तो वो जब अंदर गए सहाबी, तो कुछ और सहाबा पीछे से आ रहे थे, उन्होंने भी इनको ज्वाइन किया। तो कहते हैं कि वो पहले गए, हम कुछ ही मतलब सेकंड के बाद या मिनटों के बाद अंदर दाखिल हुए, तो कहते हैं घर के बिल्कुल सहन के अंदर एक बहुत बड़ा सा सांप था, अजदहा था। और बाकी सहाबा बयान करते हैं कि हमें नहीं पता किसने किस पर पहले वार किया, लेकिन दोनों का इंतकाल हो गया, वो सांप भी मर गया और वो सहाबी का भी इंतकाल हो गया। तो जब ये मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा, तो आपने फरमाया कि काश के वो उसको हमला करने से पहले सिर्फ ये कह देते कि अल्लाह का नाम लेते और कहते कि मैं अल्लाह के नाम से तो मैं कहता हूं कि यहां से निकल जाओ, तो वो निकल जाता, क्योंकि वो जिन था। तो इससे पता ही चलता है कि अगर खुदा न खास्ता हमारे घर में भी कोई ऐसा मामला हो, तो पहले उसको वार्न कर देना चाहिए कि अल्लाह के नाम से यहां से निकल जाओ। तो अगर वो निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं निकलता तो फिर सांप है मार दे उसको। अब बंदा कहे कि भाई मैं अरबी में बोलूं या कौन सी जुबान बोलूं सांप के साथ, तो इसमें यह कि जो भी लोकल जुबान है वो चल जाएगी। ठीक है, अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं तेनों दस रहे अल्लाह का वास्ते ही निकल जाता हूँ। ठीक है, या अगर आप KPK पिशावर से आए तो आप कहते हैं मस्ती मका हुआ मोड़ा जा मोड़ा जा, ठीक है, अल्लाह का नाम लेके निकाल दें उसको वहां से, तो आप कह सकते हैं। इंग्लिश में भी कह सकते हैं आप, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग टू स्टेट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, प्लीज काइंडली लीव दिस रूम। तो आप अल्लाह का नाम लेके, क्योंकि होता यह है कि जिन्नात जो है ना, मैंने बताया ना, ये आपसे बहुत ज्यादा पुराने हैं, ये आपसे बहुत ज्यादा पुराने हैं, और ये जिस एरिया में ड्वेल कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हिडन है, ये उसकी लैंग्वेजेस पिकअप कर लेते हैं। तो ये भी इंसान के आला और अफजल होने की एक दलील है कि अल्लाह ताला ने, इंसान तो अपनी लैंग्वेजेस बोलता है, जिन्नात हमारी लैंग्वेजेस कॉपी करते हैं। जिस एरिया में रह रहे होते हैं उधर की जो लोकल जुबानें पता नहीं पिछले 400 साल से चल रही हैं, वो सारे डायलेक्ट्स पिकअप कर चुके होते हैं। तो इसलिए आप जरूरी नहीं अरबिक में ही उसको आप कहें, आप जो भी आपकी नॉर्मल जुबान आप बोलते हैं उसमें आप कह सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो निकल जाएगा। और अगर नहीं निकल रहा, इसका मतलब है कि वो एक्चुअल सांप है जो कि आपके लिए एक खतरे का बायस हो सकता है, तो उसको कतल करना ही ठीक होगा। तो ये है वो लोग जो शेप शिफ्टिंग, अच्छा इंसान की फॉर्म में आना जी, ये भी मुमकिन है। और इसके लिए भी एक सबसे मशहूर हदीस तो वो है जो सैयदना अबू हुरैरा वाली हदीस है, जहाँ पे 3 दिन लगातार सैयदना अबू हुरैरा जो है वो बैतुल माल जाते रहे, और एक शख्स, एक इंसान आपको मिलता था जो वहां से चोरी कर रहा था, और आपने जब उसको कहा कि भाई तुम कौन हो, और पकड़ लिया उसको, तो उसने माफी शाफी मांगी, मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा नहीं करूंगा, और फिर उसको दोबारा छोड़ दिया गया, फिर पकड़ा गया, फिर छोड़ा। तीसरी दफा जब पकड़ा तो सैयदना अबू हुरैरा ने कहा अब तो तुझे मैं नहीं छोड़ता, तू बार बार चांस देता हूँ फिर तू आ जाता चोरी करने के लिए। उसने कहा खुदा का वास्ते अब माफ कर दो, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हें नहीं पता होगी। तो सैयदना अबू हुरैरा एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज थे, सबसे ज्यादा हदीसें सैयदना अबू हुरैरा से आ रही हैं, तो तालिबे इल्म थे। उन्होंने कहा सर बताओ क्या बात है। उसने कहा कि रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, सुबह तक कोई शैतान तुम्हें टच नहीं कर सकता। रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, सुबह तक कोई शैतान तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। तो सैयदना अबू हुरैरा ने छोड़ दिया उसको। ये बात जब आपने पूछी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलुल्लाह इस तरह ये शख्स था 3 दिन लगातार पकड़ता रहा, अब मुझे कह रहा है कि ये बात, तो नबी ने फरमाया था तो वो झूठा लेकिन बात ठीक ही है उसने, और था वो शैतान। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो शैतान था, वो एक जिन था जो 3 दिन से तुम्हें यानी फ्रॉड कर रहा था तुम्हारे साथ, लेकिन आखिर में जो बात किया गया वो बात ठीक की है उसने। इसीलिए हमें अब तलकीन इस बात की है कि रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ना इंशाल्लाह आपको शैतान से महफूज रखता है। एक और वाकया जहां पे शैतान जो है वो इंसान का रूप धार के आया, ये वो वाकया है जहां पे गजवाए बदर में सुराका बिन मालिक, उस टाइम पे इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया था, तो बड़े मुजाहिद थे, बड़े सोल्जर थे, अच्छा थे वो यानी मुशरिकीन की साइड पे थे उस टाइम पे, तो बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो क्या हुआ कि शैतान जो है वो सुराका बिन मालिक का रूप धार के जंगे बदर में हिस्सा ले लिया उसने, और मुशरिकीन की साइड पे गया और कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ आओ।
हम लड़ेंगे। अच्छा लोगों के ना जो मुशरिकीन के ना जज्बात बड़े बुलंद हुए कि भाई सुराका बिन मालिक हमारे साथ आ गए, तो चलो जी चलो हम बैटल फील्ड में जा रहे हैं। तो अच्छा वो जब बैटल फील्ड में पहुंचे तो आगे से ये जो शैतान था जो सुराका बिन मालिक का रूप धार किया था, ये आगे से जब इसने देखा ना कि फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं जंगे बदर में, 1000 फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, तो इसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वहां से फरार हो गया। अच्छा वो जब फरार हुआ तो लोगों ने देखा भाई ये कहाँ चला गया, तो लोगों के हौसले पस्त हो गए। जब सारे ये जंग का मामला ठप हो गया तो ये सारे वापस आए जो लोग बच गए थे, सुराका बिन मालिक को पकड़ लिया कि यार आप अजीब आदमी है, आप हमारे साथ हामी भर के गए और वहां से फरार हो। सुराका बिन मालिक ने कहा मैं तो निकला नहीं हूं यहां से, सुबह से मैं तो सुबह से यहीं था, मैं तो गया ही नहीं तुम्हारे साथ। तो पता चला कि ये, और अल्लाह ताला कुरान में सूरह अनफाल में जिक्र कर रहे हैं कि ये शैतान था जिसने ये कहा था इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन। इसी तरह से हमें पता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्डर प्लान हो रहा था हिजरत से पहले, जब सारे कबाइल के सरदार इकट्ठे हुए तो बीच में एक शेख आ गया, एक बूढ़ा शख्स आ गया, वो शैतान था। और उसने आके मशवरा दिया, उसने क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि उसको उसको कैद कर लेते हैं, उसको जिला वतन कर देते हैं, उसने कहा नहीं नहीं ये भी मशवरा ठीक नहीं है, हालांकि कोई इसको जानता नहीं था ये बंदा कौन है। तो वो बीच में आ गया और ऐसे डोमिनेट कर रहे हैं पूरे रूम को। तो फिर उसने एक ने किसी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम सारे मिलकर कत्ल करते हैं, उसने कहा हाँ ये सही बात है कि सारे कबीले मिल के हमला करो ताकि ब्लेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये भी पता चला कि ये भी शैतान इंसानी रूप में आया हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आपने फरमाया शैतान किसी का भी रूप इख्तियार कर सकता है सिवाय मेरे। आपने कहा मेरा रूप नहीं इख्तियार कर सकता लेकिन बाकी किसी का भी कर सकता है। तो चाहे वो सुराका बिन मालिक हो या वो कोई शेख बन के आ जाए या कुछ हो जाए, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं। वो एक दफा एक जगह पर गए और बगदाद या किसी इस इलाके में गए, पहली दफा जिंदगी में जा रहे हैं, तो उनके स्टूडेंट्स आपको पता है उनकी उनकी जो तहरीर है उनकी जो बातें हैं वो लोगों में फैल चुकी थी। तो जब वो उस शहर में पहुंचे, पहली दफा जिंदगी में जा रहे हैं, तो उनके स्टूडेंट्स ने उनको कहा कि हजरत आपसे मिलने का बड़ा इश्तियाक था, जिस तरह पिछली दफा जब आप आए थे तो बड़ा अच्छा लगा, इस दफा भी बड़ा मजा आ रहा है। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने कहा कि पिछली दफा कौन आया था, मैं तो आया नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, जब लास्ट टाइम आप आए थे तब भी बड़ा अच्छा पढ़ा। उन्होंने कहा लास्ट टाइम मैंने क्या पढ़ाया था। उन्होंने कहा ये पढ़ाया था। उन्होंने कहा ये सब फाड़ दिया आपने, आपने कहा ये कोई मेरी नॉलेज नहीं है कि शैतान आके मेरे रूप में तुम्हें मिस गाइड करता रहा है, तुम्हें दीन के बारे में गलत बातें बताता रहा और तुम मानते रहे उसकी बातें। तो इस तरह भी कभी कभार हो जाता है। इसीलिए कुरान पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि कहीं ये ना हो खुदा ना खास्ता कुरान पढ़ते पढ़ते भी गुमराह हो जाए इंसान। यानी हमें हुक्म है अल्लाह की तरफ से कि कुरान पढ़ने से पहले भी, हालांकि बंदा कहे मैं तो कुरान पढ़ रहा हूं यार ये तो खुद बड़ी बाबरकत किताब है, लेकिन कुरान पढ़ने से पहले भी आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जरूर पढ़ना आपने, ताकि कहीं आप इसमें भी गुमराही का शिकार ना हो जाए।